हेलो स्टूडेंट्स, टीटीसी एलआईडीसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं अब्दुल्ला अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम झुंझुनवाला की क्वेश्चन बैंक है जो प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज सॉल्यूशन उनके डिस्कस करेंगे। पार्ट वन पार्ट टू में हमने अप टू 40 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए, तो उसमें अब आज पार्ट थ्री में हम फर्दर आगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स मुख्य क्षेत्र का विरोध करेगा यदि शक्ति गुणक। अब जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फील्ड का या मेन फ्लक्स का विरोध कब करता है? जब वो उसके आर्मेचर फ्लक्स जस्ट अपोजिट काम करेगा। और ये जस्ट अपोजिट काम कब करेगा? जब हमारा पावर फैक्टर शून्य और लेगिंग होगा, शून्य पश्चगामी होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो पावर फैक्टर लेगिंग या शून्य पश्चगामी, आंसर सी। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, है ना। इसमें उत्तर बी दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, शून्य अग्रगामी। इसका आंसर होगा शून्य पश्चगामी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक छः ध्रुव कुंडली का पार्ट, मैकेनिकल पार्ट पूछ रहा है यहाँ पे हमसे। हम जानते हैं फॉर्मूला कि थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कि एक जो मैकेनिकल रोटेशन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रिकल रोटेशन हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर, है ना। इसलिए थीटा मैकेनिकल थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर थीटा पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल, है ना। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें जो यांत्रिक पार्ट है वो निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर पी बाई टू थीटा मैकेनिकल, है ना। थीटा मैकेनिकल बराबर क्या हो जाएगा? टू इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन पी। टू इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। नंबर ऑफ पोल कितने दे रखे हैं? 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो थीटा मैकेनिकल कितना निकल के आएगा अपने पास? 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 डिग्री, ठीक है। आंसर सी, 60 डिग्री मैकेनिकल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर का नियमन ऋणात्मक होगा। जो नियमन है या वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई एफ माइनस वी टी अपॉन वी टी इंटू 100, है ना। तो जो रेगुलेशन है वो ऋणात्मक कम होगा जब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जनरेटेड ईएमएफ से ज़्यादा होगी। और ये केस कब होगा? लाइट लोड कंडीशन में या कम भार की या शून्य भार की स्थिति में ये कंडीशन आती है। शून्य भार की स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ये जनरेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और ये किस केस में होता है? अग्रगामी या लीडिंग पावर फैक्टर पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। चित्र में अल्टरनेटर के ओसीसी तथा एससीसी वक्र प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमको दिया हुआ है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? हमारा जो बी कर्व है, है ना। किस किस के बीच में है ये? ई के बीच में, जनरेटेड ईएमएफ और एक्साइटेशन करंट, है ना, आईएफ या फील्ड करंट के बीच में ये हमारा कर्व है। तो जैसे जैसे हम एक्साइटेशन करंट बढ़ाएंगे इनिशियली हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि फिर ये हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जो हमारा मैग्नेटिक कर्व है वो सैचुरेट हो जाएगा, है ना। और फर्दर मोर आईएफ बढ़ाने पे हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो ओसीसी है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या मैग्नेटिक कर्व, वो कौन सा है? बी, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? शॉर्ट सर्किट करंट
और फील्ड एक्साइटेशन करंट के बीच में जो कर्व है वो शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कौन सा कर्व है, जो कर्व ए है, ओ ए है ना, ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक को। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एक्साइटेशन करंट बढ़ाएंगे, हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी, और आर्मेचर करंट का जो करस्पॉन्डिंगली आर्मेचर रिएक्शन होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिचुएशन है उसको, इफेक्ट को ख़त्म करेगा। इसलिए ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे आई ए बढ़ेगी वैसे वैसे आई ए बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जो कर्व है हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये हमारा जो है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अल्टरनेटर की ओसीसी प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सीई बी सी डी ए। तो जो बी कर्व है ना, जो बी कर्व है पूरा, वो क्या है अपना, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अल्टरनेटर की ओसीसी प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है, बी, ठीक है। इसका पार्ट टू है, अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित करने वाला वक्र, तो इसमें कौन सा है, ए, है ना। जो ए कर्व है या ए लाइन है, ओ ए, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर की तुल्यकाली प्रतिबाधा, जो सिंक्रोनाइजिंग इम्पिडेंस है जेड एस, वो कैसे होगा। जेड एस की जो वैल्यू आती है वो आती है ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट द सेम एक्साइटेशन करंट। तो सेम एक्साइटेशन करंट जो है, जैसे कि यहाँ पॉइंट ई पर है, आई एफ की वैल्यू हम मान लेते हैं कॉन्स्टेंट, तो इस पॉइंट पर जो ओपन सर्किट वोल्टेज है क्या आ रहा है, सी ई आ रहा है ना, सी ई, ओपन सर्किट वोल्टेज सी ई, और जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या आ रही है, हाँ ठीक, कितनी आ रही है, ई एफ या एफ ई, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट एफ ई आ रही है और ओपन सर्किट वोल्टेज सी ई आ रहा है, तो सी ई अपॉन ई एफ क्या हो जाएगा अपने, सिंक्रोनस इम्पिडेंस, ठीक है। जो जे सिंक्रोनस इम्पिडेंस, उसकी वैल्यू क्या आती है, वी ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट एट द सेम एक्साइटेशन वोल्टेज से, एक्साइटेशन सॉरी एक्साइटेशन करंट, जो एक्साइटेशन करंट है वो कॉन्स्टेंट रहेगी दोनों केसेस में। तो इसमें जो आंसर आएगा वो सी ई अपॉन ई एफ वर्क को देखते हुए, ठीक है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं अपन, सी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ए, सी ई अपॉन ई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक 1200 किलो वोल्ट एम्पियर 3300 वोल्ट 50 हर्ज 3 फेज स्टार संयोजित अल्टरनेटर में लघु पथ स्थिति में 40 एम्पियर क्षेत्र धारा से 200 एम्पियर लघु परिपथ धारा प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो अल्टरनेटर, उसके स्पेसिफिकेशन हमको दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में 40 एम्पियर जो एक्साइटेशन करंट है उससे हमें 200 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट प्राप्त होती है, तथा ओपन सर्किट केस में, ओपन सर्किट केस में 40 एम्पियर एक्साइटेशन करंट के केस से हमें 1100 वोल्ट लाइन वोल्ट एक्साइटेड ईएमएफ जनरेट होता है। तो अल्टरनेटर का इसने प्रतिरोध दे रखा है 0.25 ओम पर फेज, जो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ कितना है, 0.25 पर फेज दे रखा है। तो अल्टरनेटर की कला वोल्टता, अब पहले अल्टरनेटर की कला वोल्टता जो हमको निकालनी है, तो हमको किससे निकाल लेंगे, सीधा डायरेक्ट जो हमको दिया हुआ है कितना, 3300 वोल्ट हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, इसने लाइन वोल्टेज दे रखा है। तो इससे हम फेज वोल्टेज सीधा निकाल लेंगे बाय √3 करके, देखिए किस तरह से, देखिए V बराबर VL अपन √3, जो लाइन वोल्टेज दे रखा है अपने को 3300 डिवाइड बाई √3 करेंगे, तो जो कला वोल्टेज आ जाएगी कितनी आ जाएगी अपने पास, 1905 वोल्ट, ठीक है, 1905 वोल्ट आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, 1905 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अल्टरनेटर की तुल्यकाली प्रतिबाधा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो सिंक्रोनस इंपीडेंस होता है वो क्या होता है, वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय आई शॉर्ट सर्किट एट द कांस्टेंट फील्ड करंट। तो यहाँ पर जो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें दिया हुआ है और शॉर्ट सर्किट जो करंट दिया हुआ है वो किस पे दे रखा है, सेम एक्साइटेशन करंट जो कि 40 एम्पियर उस पर दिया हुआ है। तो सिंपली इसमें हम ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू पुट कर करके सिंक्रोनस इंपीडेंस से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूले में डाल के,
सिंक्रोनस एम्पलीफायर बराबर वी ओपन सर्किट अपॉन आई शॉर्ट सर्किट एट कॉन्स्टेंट आई एफ, जो कॉन्स्टेंट फील्ड करंट कितनी है 40 एम्पियर। ठीक है, तो इस पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसने लाइन वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है हमें 1100, तो इसको फेज में कन्वर्ट कर लेंगे हम 1100/√3 करके, और जो करंट दे रखी है हमको तो कितनी दे रखी है 200 एम्पियर। तो जब इसका डिवाइड करेंगे हम तो जो शॉर्ट सर्किट निकल के आएगा हमारे पास क्या आएगा 3.175 ओम, है ना। तो सिंक्रोनस इम्पिडेंस है वो निकल के आएगा 3.175 ओम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए 3.175 ओम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए 3.175 ओम। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर का तुल्यकालिक प्रतिघात, ठीक है, रेजिस्टेंस इसने या प्रतिरोध हमको दे रखा है, इम्पिडेंस हमने निकाल लिया है, हमको रिएक्टेंस निकालना है, तो क्या होगा रिएक्टेंस, हाँ जेड एस बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएस स्क्वायर। आर की वैल्यू में दे रखी है, जेड एस की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में थोड़ा सा इंटरचेंज करके हम एक्सएस की वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह से, एक्सएस बराबर जेड एस स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। जेड एस की वैल्यू अपने निकाली 3.175, उसका स्क्वायर माइनस 0.25 अपने को दिया हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3.165 ओम आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई, आंसर हमारा हो जाएगा सी 3.165 ओम। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फाइव जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अल्टरनेटर का पूर्ण भार एवं 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर नियमन। अब हम जानते हैं जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस वी टी अपॉन वी टी इंटू 100। ठीक है, हमको यहाँ पर वी टी इसने दे रखा है। ठीक है, पूर्ण भार यानी कि पूर्ण भार फुल लोड करंट, उसकी वैल्यू हम प्राप्त करेंगे, और उसको प्राप्त करने के पश्चात हम जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम देखते आते हैं फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर जो मैं पावर दे रखी है अपेरेंट पावर, उसका फॉर्मूला होता है √3 VL × IL। ठीक है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। ठीक, चूँकि स्टार फैशन में हमारा अल्टरनेटर कनेक्टेड है तो लाइन करंट और यहाँ पर फेस करंट वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, एस बराबर 1200 × इसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर किलो वोल्ट एम्पियर में, क्योंकि हमको वैल्यू दे रखी थी, बराबर √3 3300 लाइन वोल्टेज दिया हुआ है और IL, तो IL बराबर IA की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास फुल लोड करंट की वो हो जाएगी 210 एम्पियर। ठीक, अब 210 एम्पियर आने के पश्चात हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है जनरेटेड EMF। तो जनरेटेड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, वी टी कोस थीटा प्लस IARA का स्क्वायर प्लस वी टी साइन थीटा प्लस IAXS का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना, यहाँ पर वी टी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, है ना, कोस थीटा क्या है, यहाँ पर पावर फैक्टर है, IA यहाँ पर हमारा आर्मेचर करंट है या फुल लोड करंट है, RA हमारा रेजिस्टेंस सिंक्रोनस रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है हमको वो है, और एक्सेस हमारा क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, रिएक्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, आर्मेचर करंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 210 एम्पियर, और टर्मिनल वोल्टेज वो है वो कितना आ जाएगा 3300/√3, है ना, तो कितना आता है 1905। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास है, तो सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, उससे हमें जो जनरेटेड ईएमएफ है उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 1905 × 0.8 हमको दे रखा है पावर फैक्टर, 210 हमने करंट वैल्यू निकाल ली थी, 0.25 हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू उसका होल स्क्वायर, प्लस 1905 × 0.6 प्लस 210 × 3.16 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ईएफ की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो आएगी 2398.53 वोल्ट। ये हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, ई माइनस या ई एफ माइनस वी टी अपॉन वी टी इंटू 100। ठीक है, ई एफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2398.53 माइनस 1905 हमें वी टी की वैल्यू डिवाइड बाई 1905 × 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 25.8%, ये हमारा नियमन आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये आंसर कौन सा, ए ए ऑप्शन में आ जाएगा हमको 25.8%। ठीक, यहाँ पर प्लस और माइनस का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू लेस देन वीटी आएगी, वोल्टेज से कम आती है, तब हमारा नियमन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वैल्यू हमारी ज़्यादा आई है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका आंसर हो जाएगा ए 25.8%।
अल्टरनेटर का पूर्ण भार एवं 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। अब पिछली बार हमको दे रखा था 0.8 पश्चगामी, अब दिया हुआ है अग्रगामी, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस थीटा से, है ना, माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि करंट इस केस में आगे हो जाएगी। तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू फॉर्मूला हमारा वही है, पुट हमको उसमें करना है, ठीक। तो जब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो देखिए यहां पर अग्रगामी लीडिंग पावर फैक्टर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, वी टी कोस थीटा प्लस आई ए आर एस स्क्वायर प्लस वी टी साइन थीटा प्लस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी टी साइन थीटा वाली जो टर्म है हमारी, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं पूरा, तो और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1647। अब ये जो ई एफ हमारे पास आया है वो टर्मिनल वोल्टेज जो कि 1905 वोल्ट है उससे क्या आया, कम आया है, है ना। फॉर्मूला हम वोल्टेज रेगुलेशन का वही लगाएंगे, ई एफ माइनस वी टी अपॉन वी टी। ई एफ हमारे पास आ रहा है 1647.47 और जो वी टी आया है वो आया है 1905, ठीक है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, है ना। आंसर आएगा -13.54%, ठीक है, -13.54%, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। -13.54%, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ध्रुव दो ध्रुव 3000 आरपीएम अल्टरनेटर में धारा का आवर्तकाल। इस तरह का क्वेश्चन हम पार्ट टू, जो हमारा वीडियो पार्ट टू था एमसीक्यू का, उसमें हम कर चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर जो 20 से 40 के बीच में था, एक क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ था, आवर्तकाल निकालना था। निकालेंगे किस तरह से, जो सिंक्रोनस स्पीड एन एस बराबर 120 f/p फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस हम एफ निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, और आवर्तकाल क्या होता है, इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/f बराबर टी, ठीक है। उसको करके फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे तो आंसर हमारा 0.02 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स मुख्य क्षेत्र की सहायता करेगा यदि शक्ति गुणक। अब आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स के साथ एडिटिव नेचर का कब आएगा, जब हमारी धारा जो है लीडिंग रहेगी, 90 डिग्री लीड करेगी ईएमएफ से, और उस केस में जो फ्लक्स आएगा वो हमारा एडिटिव नेचर का या उसकी सहायता करने वाला आएगा। तो क्या जाएगा हमारे पास, शून्य अग्रगामी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 0 पावर फैक्टर लीडिंग, शून्य अग्रगामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। एक 500 kVA 3300 वोल्ट अल्टरनेटर की पूर्ण लोड धारा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एस बराबर √3 VL IL, है ना, √3 VL IL। एस कितना दे रखा है यहाँ पर, 500 × 1000 बराबर √3 × VL कितना है, 3300। इससे हमारे पास IL की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फॉर्मूलो को मैं पुट करेंगे तब आंसर कितना आ जाएगा, 87.5 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, तो हम फॉर्मूला में पुट अप करके निकाल लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दो अल्टरनेटर ए तथा बी समानांतर में प्रचलित है तथा वे एक इंडक्टिव बार को समान रूप से वहन करते हैं यदि अल्टरनेटर ए का उत्तेजन बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन आया अल्टरनेटर का, दो अल्टरनेटर ए और बी क्या है, दोनों आपस में पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि अल्टरनेटर ए का एक्साइटेशन बढ़ाया जाए, तो जब हम अल्टरनेटर ए का एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो एक्साइटिंग करंट, मोर एक्साइटिंग करंट किस में फ्लो करने लग जाएगी, अल्टरनेटर ए में, ठीक है। एक आई सिंक्रोनाइजिंग करंट एक्स्ट्रा फ्लो करने लग जाएगी अल्टरनेटर ए से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उस टाइम पे, अल्टरनेटर ए अल्टरनेटर बी की तुलना में अधिक धारा देगा। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक, सबसे कम लो फ्रिक्वें जो है फ्रिक्शन किससे उत्पन्न होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, क्या यहाँ पर, हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 51 है, अल्टरनेटर में प्रथम चालक फेल होने की स्थिति में प्रचालित होने वाली रिले, जब प्राइम मूवर हमारा अल्टरनेटर का फेल हो जाएगा तो उस टाइम पे जो प्रोटेक्टिव रिले है कौन सी ऑपरेट करेगी, उत्क्रम शक्ति रिले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्क्रम शक्ति रिले। डिफरेंशियल रिले जब कि पैरेलल ऑपरेशन में करंट का जो डिफरेंस आएगा तब डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगी, बकवॉल्स रिले ट्रांसफॉर्मर में लगी रहती है, उत्क्रम शक्ति रिले जो है इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, 51। क्वेश्चन नंबर 52, अल्टरनेटर के रोटर के लिए आवश्यक है, रोटर में क्या कह देते हैं हम, एक्साइटेशन रोटर से प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डीसी। अल्टरनेटर के रोटर के लिए कौन सी आवश्यकता है, डीसी। तो 52 में आंसर हो जाएगा ए। बड़े आकार के अल्टरनेटर में फ्लक्स, चूंकि बड़े आकार का जो अल्टरनेटर होता है उसमें फ्लक्स क्या होगा, रोटर पर रखते हैं हम। ठीक है ना, जो अल्टरनेटर है लार्ज साइज का अल्टरनेटर हमने पहले भी डिस्कस किया था, रोटर पर हम उस फ्लक्स को रखते हैं, इसलिए रोटर जो हमारा है फ्लक्स जो यहाँ पर रोटेटिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 53 में बी। 54, दो अल्टरनेटर समानांतर में प्रचलित है, यदि एक अल्टरनेटर का क्षेत्र परिवर्तित किया जाए तब, अगर एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन फील्ड हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, उससे पावर फैक्टर जो शक्ति गुणक है वो परिवर्तित होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इससे अल्टरनेटर का पावर फैक्टर चेंज होगा। ठीक है, ओवर एक्साइट करेंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर, अंडर एक्साइट करेंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अल्टरनेटर के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए रोटर पर उपलब्ध स्लिप रिंग की संख्या, अब अल्टरनेटर का जो क्षेत्र है फील्ड एक्साइटेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, डीसी का, तो डीसी में कितने टर्मिनल होते हैं, दो, प्लस और माइनस, इसलिए हमें कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, ओनली टू की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 55 में सी। और 56 देखते हैं, एक अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या 4 एवं स्टेटर कोड में 36 खांचे हैं, नंबर ऑफ पोल दे रखे हैं 4 और स्लॉट दे रखे हैं 36, यदि कुंडली पार्ट 8 खांचों के तुल्य हो तब वितरक गुणांक। तो इसमें आराम से हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या KD की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन एम बीटा बाई 2 अपन एम साइन बीटा बाई 2 में वैल्यू पुट करके हम इसमें निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा सी, 0.96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, एक 1500 KVA 6600 वोल्ट त्रिकलीय स्टार संयोजित अल्टरनेटर का प्रभावी प्रतिरोध 0.5 ओम पर फेज है तथा इसकी तुल्यकाली प्रतिकारिता 5 ओम पर फेज है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दे रखा है, सिंक्रोनस रेजिस्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमको दिया हुआ है। ठीक है, इकाई शक्ति गुणांक पर पूर्ण धारा, यूनिटी पावर फैक्टर पर ये पूर्ण धारा पूछ रहा है हमसे, तो हम 1500 पी बराबर 1500 कर लेंगे, 1500 बराबर वी आई रूट 3 वी आई कोस फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो उससे वैल्यू में पुट करके हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1500 × 1000 बटा रूट 3 6600 से जब वैल्यू निकालेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 131 एम्पीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण भार एवं 0.0 शक्ति गुणांक पर खुले परिपथ की प्रति फेज वोल्टेज, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है अपने पास, 6600/√3 कर देंगे इसमें, टर्मिनल वोल्टेज हमारा निकल के आ जाएगा 3810 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है पूर्ण भार एवं 0.0 शक्ति गुणक पर प्रतिशत नियमन, तो प्रतिशत नियमन फिर सेम वैसे ही हमने पिछले जो क्वेश्चन में किया था, पहले क्वेश्चन नंबर 51 से जो उसने हमसे पूछा था उसके पार्ट में के प्रतिशत नियमन निकालने के लिए, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जनरेटेड EMF की, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 131 एम्पीयर एंड जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है 3810 वोल्ट, पावर फैक्टर इसमें दिया हुआ 0.6 है ना, तो EF की वैल्यू हम पुट करके EF की वैल्यू निकाल लेंगे, EF बराबर अंडर रूट ऑफ VT cos थीटा प्लस IARA का होल स्क्वायर प्लस VT sin थीटा IAXS का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस 15%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी प्लस 15% आंसर हो जाएगा सी, है ना, ए में माइनस 15% है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लस 15%। क्वेश्चन नंबर 58 में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स के हैं, इसकी वजह से आंसर थोड़ा सा इसमें चेंज आ रहा है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है, जब
आरपीएम बढ़ा देंगे या रोटेशन बढ़ा देंगे तो वोल्टेज पर जनरेटर ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये हमने किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। इसको स्किप कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59, सेलियंट पोल रोटर। सेलियंट पोल रोटर किस में यूज़ करते हैं? हाइड्रो जनरेटर में। उसके लिए क्या होता है, जो उनका व्यास है वो ज़्यादा होता है और उनकी एक्सिस लंबाई कम होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, व्यास अधिक परंतु अक्षीय लंबाई कम। क्वेश्चन नंबर 60, जब अल्टरनेटर पर कनेक्टेड लोड स्विच ऑफ हो जाता है तब टर्मिनल वोल्टेज। चूंकि जब अल्टरनेटर पर कनेक्टेड लोड को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारे कंडीशन होती है वो लाइट लोडेड कंडीशन हो जाती है। लाइट लोडेड कंडीशन में हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है वो कम हो जाता है, लेस देन टर्मिनल वोल्टेज, तो यार टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 60 में बी, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट थ्री हम यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।